आज की डेट में अगर आप देखें तो भारत में सबसे बड़ा पब्लिक डिबेट जो हो रही है वो हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। आज हम इसी वीडियो में ये जानेंगे कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और किन किन सेक्टर में बढ़ रहा है, क्या वजह है उनकी। अब हम बात करें कि इलेक्शन आ रहे हैं बहुत सारे स्टेट्स के अंदर या जो भी आएंगे आने वाले टाइम में। अब वहाँ पे जो उम्मीदवार होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, वो लोगों को ये बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया, हम आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो ये वीडियो बनाने के पीछे एक रीज़न ये भी है कि आप उनसे ये जवाब पूछो कि वो आपको कैसे एम्प्लॉयमेंट देंगे, वो कैसे सुधार करेंगे उस चीज़ में, कहाँ से स्किल डेवलपमेंट करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है भारत में, कितने युवा जो हैं वो बेरोजगार है, कितनी उम्र से लेके कितनी उम्र तक के युवा को नौकरी चाहिए, कैसे कैसे युवा बेरोजगार हैं, किन किन सेक्टर में जगह खाली है या किन किन सेक्टर में जगह बनाई जा सकती है, कौन से सेक्टर बंद हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप उनसे पूछें। और इस वीडियो के थ्रू ही आप जानेंगे कि कौन कौन से सेक्टर हैं जहां पे सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है या कौन से सेक्टर के अंदर जो वर्कर्स हैं वो स्विच कर रहे हैं दूसरे सेक्टर के अंदर, उनका रीज़न क्या है। आज हम इसी वीडियो में उन्हीं चीज़ को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, गवर्नमेंट के खुद के ही सर्वे के अकॉर्डिंग, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017-18 के द्वारा सर्वे किया गया, जिसमें बताया गया कि 6.1% रेट चल रही है अनएम्प्लॉयमेंट की। ये खुद गवर्नमेंट का सर्वे है जिन्होंने खुद उन्होंने खुद किया है। अब बात करें कि पहले क्या चल रही थी, कुछ एक डिकेड्स पहले, कुछ एक दशक पहले जो ये जो रेट था वो 2% था। 2% से भी एवरेज लगभग आप बना सकते हैं कि यहाँ चल रहा था, और आज की डेट में 6.1% पहुँच गया है। 2018 में एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 47 करोड़ 15 लाख लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं, यानी उनको रोजगार मिला हुआ है। और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें 2018 में उनकी संख्या है 3 करोड़ 9 लाख, यानी 3 करोड़ लगभग लगभग आप 10 लाख आप इनको बोल सकते हैं। अब जो ये मैंने अभी आपको एक जो डाटा दिया कि 47 करोड़ 15 लाख लोग जो है वो एम्प्लॉयड हैं, अब इसी के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयड जिनको एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत काम मिला हुआ है, उनको भी हम देखने वाले हैं कि कितने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर उनको काम मिला हुआ है, वो चीज़ भी हम आने वाले धीरे इस वीडियो में देखेंगे। अब बात करें कि 3 करोड़ 10 लाख लोगों जो बेरोजगार हैं भारत के अंदर 2018 के अंदर, उसके अंदर मैं आपको एक और डाटा बताऊं कि 15 से लेके 29 साल कि इन जनसंख्या 15 से लेकर 29 साल के जो लोग हैं वो कितने अनएम्प्लॉयमेंट हैं इस 3 करोड़ 10 लाख में। तो इसका एस्टिमेट आपको बता सकता हूं कि करीबन करीबन 68% या 68.9%, यानी लगभग आप बोल सकते हो कि 69% जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं आज की डेट के अंदर इस 3 करोड़ 10 लाख लोगों में से। ये गवर्नमेंट का खुद का सर्वे है जो पहुंचता है 2 करोड़ 11 लाख लोग, यानी 15 से लेके 29 साल के जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं इसके अंदर 2 करोड़ 11 लाख लोग के अंदर। अब क्या रीजन है इनके भी 2 करोड़ 11 लाख लोग जो युवा 15 से लेके 29 साल, 15 से 29 साल की जो ये एज होती है कमाने की, जो बहुत सारे अपना करियर बनाते हैं इसके अंदर वो बेरोजगार बैठे हैं, क्या रीज़न है कि इतना अनइम्प्लॉयमेंट हो गया है। इसके कुल टोटल जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 3 कैटेगरी निकाली हैं तो बहुत सारे फैक्टर, लेकिन जो 3 फैक्टर हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट फैक्टर की बात करें तो आज की डेट में 1 करोड़ 40 लाख लोग 2000 से 2000 सन 2000 से 1 करोड़ 40 लाख लोगों की जनसंख्या हर दिन हर साल बढ़ रही है जॉब एम्प्लॉय यानी एम्प्लॉयमेंट पाने की। जो 15 से लेकर 59 साल के लोगों के बीच की एक ये सर्वे किया गया। सेकंड जो फैक्टर है उसके अंदर जो एनरोलमेंट है यानी जिनको एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, जो एम्प्लॉय देने वाले हैं उनका स्नैरियो बदल गया है, वो एजुकेशन मतलब कि जो एजुकेट पीपल हैं उनको एडल्ट को वो उनको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर बात करें कि एजुकेशन के अंदर, तो मैं एक छोटा सा सर्वे आपको बताऊं कि 2005 में फीमेल का एक सर्वे है, 2005 में 16.3% लड़कियां जो थी वो स्कूल अटेंड करती थी, जो 2018 में बढ़कर 38% हो गया। यानी एजुकेशन तो बढ़ी है लेकिन क्या ये एजुकेशन उस क्राइटेरिया को पार करती है कि जिससे जो ये फीमेल जो है वो जॉब पा सकें किसी वर्क प्लेस में जाके, ये वाली चीज़
मुझे तो कहीं लगता नहीं कि उनको वो स्किल प्रोवाइड की जा रही है, वो क्वालिटी एजुकेशन उनको दी जा रही है कि वो जाएं और उनको वो जॉब मिल जाए जो वो चाहते हैं। अगर एजुकेशन ही इतनी अच्छी होती तो आजकल जो युवा हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे युवा, आने वाले वीडियो में ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने सारे जो युवा वो पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार हैं आज की डेट में, उनको वो जॉब नहीं मिल पा रही अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनके अंदर वो स्किल नहीं है। और वो स्किल क्यों नहीं है? क्योंकि वो एजुकेशन उन्हें प्रॉपर नहीं दी जा रही, सिर्फ नाममात्र की एक सर्टिफिकेट या दे दिया जाता है जो उनके किसी काम का होता नहीं है। ये एक ग्राउंड रियलिटी है। और जो थर्ड जो फैक्टर है वो ये है कि बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो स्विच कर रहे हैं एग्रीकल्चर से दूसरी सेक्टर के अंदर। 2005 की बात करें तो 25 करोड़ 88 लाख लोग जो थे वो एग्रीकल्चर यानी खेती खेती या उससे रिलेटेड काम में लगे हुए थे। लेकिन आज 2018 की बात करें तो 19 करोड़ 90 लाख लोग जो है वो आज की डेट में खेती में लगे हुए हैं, यानी 6 करोड़ 11 लाख करीब के अकॉर्डिंग अपना जो है वर्क प्रोफेशन वो चेंज कर चुके हैं, एग्रीकल्चर से वो शिफ्ट हो चुके हैं किसी और सेक्टर के अंदर। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 47 करोड़ 15 लाख लोग जो हैं वो आज की डेट में इम्प्लॉयड हैं, उसके अंदर 19 करोड़ 90 लाख लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लगे हुए हैं। अगर मैं आपको इसका परसेंटेज दूं तो ये बनता है 42%, अप्रोक्सीमेट दे रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट यानी 42% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लगे हुए हैं। जो रीज़न ये है कि भाई ये चेंज क्यों कर रहे हैं कि लो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर के अंदर, को इन्वेस्टमेंट इतना हो नहीं रहा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, और दूसरा रीज़न ये है कि भी क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग जो वो फसल वो चाह रहे हैं वो उस टाइप की नहीं हो पा रही है, क्लाइमेट चेंज इतना हो रहा है, ये भी एक अनदर फैक्टर है। इसके बारे में मैं इसमें इस वीडियो में पूरा डिटेल से तो बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो एक ऊपरी जो नॉलेज है वो मैंने आप लोगों को दे दिया है। और एक दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात करूँ तो ये जो एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, जो बहुत सारे युवा जो बेरोजगार होते हैं वो इसके अंदर आ भी जाते हैं, वो उस वक्त आते हैं जब कल्टीवेशन या जब कटाई हो रही होती है, तब एक इस प्रकार की वो एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं और इस चीज़ को वो गिन भी लेते हैं। जो मुझे नहीं लगता कि जो कटाई के वक्त जो लोग जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है वो परमानेंट एम्प्लॉय कहलाएंगे, क्योंकि उनकी एक ये साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि भी एक टाइम बाद इनको फिर वो जॉब छोड़नी पड़ेगी, फिर उस टाइम के बाद उनको आना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस प्रकार की जो एम्प्लॉयमेंट है वो उसको भी छोड़ना चाहते हैं। ये भी एक रीज़न है कि वो स्विच कर रहे हैं दूसरी मार्केट या दूसरे सेक्टर के अंदर। और अगर अब बात करें पोटेंशियल वर्कर्स मतलब जो पढ़े लिखे युवा हैं वो लेबर का काम नहीं करना चाहते, वो काम करना चाहते हैं अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग या अपनी एजुकेशन से भी ना हटकर थोड़ा सा उससे लेवल कम से भी बात करें, लेकिन लेबर का वो काम नहीं करना चाहते। उनकी जो जनसंख्या आजकल वो बढ़ रही है, जो ये जो एज ग्रुप है जो पोटेंशियल वर्कर हैं, पोटेंशियल वर्कर्स का मीनिंग जो है वो पढ़े लिखे युवा, जो पोटेंशियल वर्कर्स की जो एज जो है वो 15 से लेके 59 तक है, इनकी जो जनसंख्या है वो आज की डेट में बहुत बढ़ गई है। बात करें इनको अगर सही ढंग से स्किल प्रोवाइड की जाए, इनको नॉलेज प्रोवाइड की जाए सही ढंग से, तो इनको भी जॉब प्रोवाइड की जा सकती है। ये एक अनदर फैक्टर है कि भी इनको एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं मिल पा रहा, क्योंकि इनके पास वो स्किल नहीं है वो काम करने की जो कोई कंपनी चाहती है या कोई अलग सेक्टर चाहता है उसके अकॉर्डिंग। जो ये पोटेंशियल वर्कर हैं जो एग्रीकल्चर विभाग में नहीं लगे हुए हैं, जो दूसरे सेक्टर के अंदर लगे हुए हैं, 2005 और 2012 के बीच में जो ये जो बढ़ रहे थे, ये बढ़ रहे थे 1 करोड़ 42 लाख, और आज की डेट में अगर हम बात करें 2012 से लेकर 2018 तक, आज की डेट में इनकी जनसंख्या जा पहुंची है 1 करोड़ 75 लाख, जो बहुत ज़्यादा है। यानी 1 करोड़ 75 लाख जो ये पोटेंशियल वर्कर है, जो एजुकेटेड है, एजुकेटेड बंदे हैं जिनको वो जॉब नहीं मिल पा रही है जो वो करना चाह रहे हैं, या फिर उन कुछ छोटी मोटी जॉब भी उनके लेवल की भी नहीं मिल पा रही है। 2005 और 2012 के अंदर ये कंस्ट्रक्शन जो था वो सबसे ज़्यादा मेजर सोर्स था एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला, और जो लोग अपना एग्रीकल्चर छोड़ चुके थे जिनको एग्रीकल्चर नहीं करना था वो इसके अंदर स्विच हो रहे थे। ज़्यादातर ये रूरल यानी गांवों से आए लोग जो लोग थे, ज़्यादातर ये मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों से आए लोग जो थे वो कंस्ट्रक्शन विभाग में जा रहे थे। और उस वक्त जो कंस्ट्रक्शन विभाग था, कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर था,
वो इनकी इनकम में और एग्रीकल्चर विभाग में कहीं ये बैलेंस बना के रख रहा था। 2012 के बाद एग्रीकल्चर इनकम धीरे धीरे डिक्रीज होनी स्टार्ट हुई, रूरल इकोनॉमी यानी गाँवों की जो अर्थव्यवस्था है वो नीचे आनी स्टार्ट हुई। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें जो 2012 और 18 के अंदर जो न्यू अपॉर्चुनिटी अब क्रिएट कर रहा था वो थी 1 करोड़ 90 लाख, लेकिन वहीं जो 2012 से 2018 की बात करें जो इसके अंदर कमी आई वो 1 करोड़ 60 लाख लोगों की आई। और मैन्युफैक्चर सेक्टर जो है वो 2012 से 2018 के अंदर, इसके अंदर भी जो नई जॉब क्रिएट हो रही थी उसके अंदर भी 10 लाख जॉब जो है वो कम हुई हैं। छोटी छोटी कंपनियां हैं, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हैं, ये वाली कंपनियां बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई हैं। आप कह सकते हैं कि डिमोनेटाइजेशन के द्वारा या फिर जीएसटी के द्वारा भी इन कंपनियों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। 2005 और 2012 के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं कि हर साल कितनी जॉब क्रिएट होती थी कंस्ट्रक्शन सेक्टर के द्वारा या फिर कोई और इंडस्ट्रियल सेक्टर के द्वारा, वो थी 63 लाख। लेकिन उसी टाइम अगर मैं बात करूं पोटेंशियल वर्कर यानी उस टाइम के जो लोग जो थे, वो युवा जो थे, वो जॉब चाहते थे, वो जो थे 1 करोड़ 42 लाख लोग जो थे। लेकिन आज की डेट में 2012 से लेके 2018 के बीच में आज में जो ये पोटेंशियल वर्कर हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, उनकी जनसंख्या बढ़ गई है और आज की डेट में जो पोटेंशियल वर्कर हैं उनकी जो जनसंख्या जा पहुंची है वो 1 करोड़ 75 लाख लोग जा पहुंची है। यानी इतने पोटेंशियल वर्कर हैं, यानी इतने एजुकेटेड लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, उनको कोई काम नहीं है, उनको मिल नहीं रहा अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग, उनके पास वो स्किल नहीं है क्योंकि उनको प्रॉपर एजुकेशन वो नहीं दी गई है। ये जो इतना अनएम्प्लॉयमेंट हुआ इस पे सबसे ज़्यादा महिला जो एम्प्लॉयड थी उनके ऊपर इफेक्ट पड़ा। मैं बात करूँ फीमेल वर्कर की, 15 से लेके 59 साल के बीच में फीमेल वर्कर जो थी 2018 में वो 23% है और जो कहीं 2005 में 42.6% थी। यानी फीमेल वर्कर्स पे ज़्यादा असर पड़ा, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी, जॉब छोड़ के वो अपने ही घर में काम में लगे क्योंकि अब वो उनको जॉब वो नहीं मिल पा रही थी क्योंकि मिसमैच हो रहा था, लेबर की जो डिमांड थी वो बदल चुकी है और जो पोटेंशियल वर्कर हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट हैं। ये जो मिसमैच हो रहा है इसके कारण सबसे ज़्यादा प्रभाव महिलाओं पर भी पड़ा है, लेकिन ये प्रभाव ये नहीं कि महिलाओं के अलावा पुरुषों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा, पुरुषों पर भी इसका बहुत इफेक्ट पड़ा है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 30 से लेके 59 साल के जो लोग हैं वो अपनी जॉब सिक्योर कर पाए 2018 में या 2012 से लेके अब तक, वो थे 90.4%। यानी जो थोड़ी मोटी जॉब बची वो इन युवाओं के हाथ में, जिसके कारण इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा महिलाओं के ऊपर या पुरुषों के ऊपर, जो युवा हैं उनके ऊपर, 15 से लेके 29 साल के लोगों के ऊपर। जो कभी 2012 में 15 से लेके 29 साल के जो युवा थे उनको जो जॉब चाहिए थी वो 67 लाख थी, जो 2018 में बात करें वो 2 करोड़ 11 लाख के नज़दीक पहुंच चुकी है। अगर गवर्नमेंट ने अभी जल्दी कुछ नहीं किया तो आने वाले कुछ दशक में, कुछ 20 साल बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इतना बढ़ जाएगा कि अब ये जो 15 से लेके 29 साल हैं इनकी एज बढ़ेगी और ये इतने लार्ज नंबर में जनसंख्या में आगे आएंगे कि जब वो बूढ़े होंगे तो उनके पास कोई जॉब नहीं होगी। यानी भारत में इतने लाखों लोग गरीब हो जाएंगे कि वो एक छोटी रेंज यानी मीडियम लेवल की वो लाइफ भी नहीं जी पाएंगे। तो इसके अंदर गवर्नमेंट को अभी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को जैसे तैसे वो टैकल कर सकें। इसके लिए उनको मैन्युफैक्चर सेक्टर को फिर से रिवाइव करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चर सेक्टर में लानी पड़ेगी और भी जो है वो एजुकेशन क्वालिटी को भी सुधारना पड़ेगा। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से क्लियर हुई होगी कि कहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारे जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है वो किस सेक्टर में हो रहा है, लोग जो वो स्विच कर रहे हैं, कितने पोटेंशियल वर्कर हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और अब कोई भी अगर आपके सामने आता है कि कोई कहता है कि हमें वोट दो, हम आपके वोट का मतलब आपको जॉब प्रोवाइड कराएंगे, तो उनसे पहले पूछ लेना कि वो किस सेक्टर के अंदर जॉब प्रोवाइड कराएंगे, वो क्या जॉब क्रिएशन के बारे में जानते हैं, उनको कितनी नॉलेज है, या फिर वो झूठे वादे करके बाद में दिखने वाले भी नहीं है। तो ये इस वीडियो बनाने के पीछे मकसद ये भी था। बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।